जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, मध्य प्रदेश में मंत्री कमल पटेल और पूर्व राष्ट्रीय सफाई कामगार आयोग के सदस्य एवं भोपाल सांसद प्रतिनिधि अमर उंटवाल। सत्ता के हाथ में होता तो लाल सिंह आर्य बोलिए क्यों बनता है, तो कभी कभी केंद्र सरकार के खिलाफ भी आदेश कोर्ट ले ली तो क्यों देखे। तो कोर्ट ने आदेश दिया है और एक बार उनसे कहा राहुल गांधी से कि आप माफी मांगते हैं क्या, बोले कि मैं माफी नहीं मांगता। तब कोर्ट ने 2 साल की सजा दी, मतलब कोर्ट ने भी मौका दिया कि माफी मांगूंगी। इसके पहले वो 3-4 बार माफी मांग चुके। मैं जानकारी इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी लोग भ्रम में पड़ते हैं। 2 साल की सजा जिस विधायक सांसद को होती है, वो किसी भी पार्टी का हो, उसकी सदस्यता 2-4 दिन में ही रद्द हो जाती है। यदि वो कोर्ट में स्टे ले आता है तो नहीं। हाई कोर्ट में ये गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, कोर्ट ने इनको स्टे देने से मना कर दिया और उसके कारण लोकसभा ने सदस्यता रद्द की। अब ये भी जो नियम बनाया था, ये नियम राजीव गांधी ने बनाया था, उनके पिताजी ने, और मनमोहन सिंह के समय इसी नियम की प्रति इन्होंने फाड़ के फेंकी थी। इसका फोटो कल आपने देखा होगा। तो नियम सब पे लागू होता है और ये अभी तक 31 लोगों पे लागू हो चुका है। उसमें बीजेपी के लोग हैं, उसमें सपा बसपा के भी लोग हैं, उसमें कांग्रेस के लोग हैं, उसमें दूसरे दल के भी लोग हैं। लेकिन अभी इसमें क्या कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को बीजेपी ने कोर्ट के माध्यम से मुलजिम बना के और सदस्यता खत्म करा, यही कहा जा रहा है। मैंने कहा ये जानकारी आपको नॉलेज में डालना बहुत जरूरी है। दूसरा एक चीज और बताना चाहता हूँ, एक तो अभी जो लाडली बहना है उसमें मेरा आप सबसे आग्रह है, किसी ना किसी एससी की बस्ती में अपने लोगों के साथ मन की बात का कार्यक्रम देखना। वार्ड नंबर कौन सा है सकता है कि सच क्या है, नहीं बता पाएगा। मैं आपको बता पाऊंगा, 2019 पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए राहुल गांधी ने अपनी सभा में चोर शब्द का उपयोग किया है। ये जितने मोदी होते हैं वो सब चोरी होते हैं क्या? तो उसने मोदी का नाम भी लिया, एक भ्रष्टाचारी लीडर मोदी का भी नाम लिया और किसी का भी लिया। चूंकि 12 जगह कोर्ट में लोग गए हैं पिछड़े वर्ग के लोग, ये पिछड़े वर्ग के लोगों का अपमान किया है। और उसमें एक सूरत में भी कोर्ट में डाला। अब कोर्ट किसी के हाथ में नहीं होती, तो कोर्ट अगर हाथ में होती तो मैं तो मिनिस्टर था, शासन हमारा था, लेकिन 1,000 रुपये हर महिला को मिलेगा तो बुरा है क्या? तो हमको समय रहते अपने अपने परिवार की महिलाओं का ये देखना हमारे की बात तो है, वो भरवा लेना चाहिए, जरूरी है। दूसरा, 2-3 चीज़ें और करना चाहिए। कभी कभी हमारे लड़कों को उसे मिलाता हूँ, एक तो 12 रुपये का जो बीमा होता है 2 लाख का और एक 330 का होता है, ये दोनों मिलाकर 4 लाख का होता है। एक साल में हम लोग कितनी मीट खाते हैं, गुद्धा भी पीता है, तो पुड़िया मैंने भी परसों पुड़िया पूछ कितनी गया थी कि राशन भी 40 रुपये की हो गई।
अब उस समय राशि 5 रुपए की आती थी, अब सारी 4 पुड़िया खा लो दिन में तो कितने की हो गई 160 रुपए की एक दिन में। तो क्या हम साल भर में 342 रुपए नहीं दे सकते 4 लाख का बीमा? तो कभी हमारे गरीब परिवार में कोई परिवार का मुखिया खत्म हो जाए तो कम से कम परिवार के लोगों 4 लाख रुपए आके कोई दुकान डाल लो तो कम से कम बच्चों को पेट तो पल जाता है। तो ये जानकारी जितनी ऐसी योजना आती है हम उसको तुरंत और अपने लड़कों को भी मुझे लगता है इस पारंपरिक जो कार्य है वो ठीक है जितना होता है कर रहे हैं लोग, इससे हट के हमें अपने बच्चों को कौशल विकास में डालना चाहिए, स्टार्टअप में डालना चाहिए। तो स्टार्टअप में हमारे लोगों को 30% अनुदान मिल रहा है, कितना 30%। अब बताइए हमारा अगर 50 लाख मंजूर होता है तो उसमें 30% वैसे ही समाप्त हो जाएगा। इस ओर भी हमें व्यवसाय की तरफ भी ध्यान देना चाहिए ताकि परिवार ठीक से खड़ा हो। मन की बात का जो कार्यक्रम शायद स्टार्ट हो गया होगा या होने वाला है, होने वाला आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि इसी बहाने आपके बीच में आए। वैसे तो मैं मंत्री था तो बहुत सारी बस्तियों में गया भी हूँ।